स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीआईएमटी यूट्यूब चैनल। लास्ट क्लास हम लोगों ने एनवायरमेंटल फैक्टर्स पढ़े थे ना, उसमें हम लोगों ने एक्सटर्नल एंड इंटरनल दोनों फैक्टर्स को स्टडी किया था। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है एक्सटर्नल एनवायरमेंट का एनालिसिस। ठीक है, एक्सटर्नल एनवायरमेंट एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ विद द व्यू ऑफ पेस्ट। ठीक है, चलिए। एक्सटर्नल एनवायरमेंट एनालिसिस इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी मैनेजमेंट। ठीक है, लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ लिया था कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, इसका एक एनालिसिस है आपका पेस्टल एनालिसिस। ठीक है, ये आपका पेस्टल एनालिसिस में आपका पी स्टैंड करता है एक वर्ड के लिए, ई स्टैंड करता है अलग चीजों के लिए, एस स्टैंड करता है टी और ई सब हेल्प सब क्या करते हैं अलग अलग क्लासेस में अलग अलग उसको डिनोट करते हैं। ठीक है, स्ट्रेटजी को तो कह रहा है पेस्टल एनालिसिस पॉलिटिकल एनालिसिस, ई स्टैंड फॉर इकोनॉमिकल एनालिसिस, एस स्टैंड फॉर सोशल एनालिसिस एंड टी स्टैंड फॉर टेक्नोलॉजिकल एनालिसिस, अगेन द ई स्टैंड फॉर एनवायरमेंटल एनालिसिस एंड द एस स्टैंड फॉर लीगल एनालिसिस। ठीक है, ये कौन सा प्रॉब्लम मिला के कौन सा बनता है पेस्टल एनालिसिस। ठीक, इट इज एन एक्सटर्नल एनवायरमेंट एनालिसिस फॉर कंडक्टिंग ऑफ स्ट्रेटेजी और कैरिंग आउट मार्केट रिसर्च। ठीक है, एक स्ट्रेटेजी के एनालिसिस एक्सटर्नल जितने भी आपके देखिए वेस्टर्न में जितने भी आपके घर आ रहे हैं सबके सब कौन से फैक्टर्स हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं एक्सटर्नल एनालिसिस। ठीक है, फिर कह रहे हैं कैरिंग आउट मार्केट ऑफर्स अ सर्टेन ओवरव्यू ऑफ द वैरिड मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरमेंटल फैक्टर्स दैट अ कंपनी हैज टू कंसीडर। ठीक है, देखिए P stand for political analysis, public analysis and public, public is not general public, public is government, okay? So P stand for government policy, political stability, corruption, foreign trade policy, tax policy, labor law and trade restrictions. ठीक है, next and E stand for economic growth, एक्सचेंज रेट, इंटरेस्ट रेट, इंस्टॉलेशन रेट, डिस्पोजेबल इनकम एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स। ओके, नेक्स्ट है आपका ई स्टैंड फॉर पॉपुलेशन ग्रोथ,
कंट्री सॉरी, ठीक है, इन सब चीजों पर क्या होती है, गवर्नमेंट आपकी इन्फ्लुएंस होती है। नेक्स्ट है आपका ई स्टैंड फॉर इकोनॉमिक फैक्टर्स, कंट्री फैक्टर्स सच एज इकोनॉमिक ग्रोथ, इंटरेस्ट रेट, एक्सचेंज रेट्स एंड इन्फ्लेशन रेट। दीज फैक्टर्स मे हैव एन इन्फ्लुएंशियल इफेक्ट ऑन हाउ द बिजनेस ऑपरेट एंड मेक डिसीजन। इस पर डिपेंड करता है कि बिजनेस कैसे ऑपरेट किया जाए और कैसे अपने डिसीजन लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट रेट कैन बी अफेक्ट द फर्म कॉस्ट ऑफ कैपिटल, होता है ना, देयर बाय इन्फ्लुएंस बिजनेस ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। क्या होगा जो हमारा इंटरेस्ट रेट है आपका कैन अफेक्ट द फर्म कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अगर हम लोगों ने अपनी कैपिटल या फिर बॉरिंग्स कर रखी है अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए, ठीक है, जो उसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, ठीक है, वो हम लोग कहाँ से काटेंगे, हमारे ऑफिस है, हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट में इसका इफेक्ट आ जाता है, आता है ना, क्योंकि यही कह रहा है। फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट रेट कैन अफेक्ट द फर्म्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल थेयरबाय एंड थेयरबाय इन्फ्लुएंस द बिजनेस ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। ठीक है, तो क्या होगा इससे बिजनेस की ग्रोथ और एक्सपेंशन आपकी इन्फ्लुएंस होगी। नेक्स्ट है एक्सचेंज रेट कैन अफेक्ट द कॉस्ट ऑफ एक्सपोर्ट एंड द सप्लाई एंड प्राइस ऑफ इम्पोर्ट। ठीक है, जितने भी एक्सचेंज रेट होते हैं इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के, वो एक्सपोर्ट की कॉस्ट बढ़ा देते हैं और इम्पोर्ट के प्राइस बढ़ा देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सोशल फैक्टर्स, कंटेन इश्यूज सच एज हेल्थ कॉन्शियसनेस, पॉपुलेशन ग्रोथ, एज डिस्ट्रीब्यूशन, कैरियर एटीट्यूड, एम्फेसिस ऑन सेफ्टी ट्रेंड्स इन द सोशल may affect the demand of company's good and how the company operate। जितने भी ट्रेंड होते हैं आपके लिए वो क्या करते हैं, सोशल फैक्टर में जितने भी ट्रेंड्स होते हैं क्या होता है उसमें कंपनी के गुड्स की डिमांड को अफेक्ट करते हैं। जब डिमांड अफेक्ट होती है तो प्राइस तो बेटा अपने आप ही इफेक्ट होने लगते हैं ना। चलिए फॉर एग्जाम्पल एजिंग पॉपुलेशन लीड्स टू स्मॉलर एंड लेस विलिंग वर्कफोर्स। ठीक है, मोर ओवर कंपनीज में चेंज वेरियस मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज इन सेंग विद द सोशल ट्रेंड। ठीक है, सच एज रेफरिंग मोर फ्यूमर्स। ठीक है, जितने भी सोशल ट्रेंड्स होते हैं वो सब क्या होते हैं, कंपनी को आगे बढ़ने के लिए मैनेजमेंट की स्ट्रेटजीज को इफेक्ट करते ही करते हैं। नेक्स्ट है आपका टेक्नोलॉजिकल फैक्टर। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर क्या, जितने भी आपके नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, इकोलॉजिकल या फिर आपके एनवायरमेंटल जितने भी चेंजेस आ रहे हैं वो सब चीजें आपकी टेक्नोलॉजी को इफेक्ट करती हैं। चलिए टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स इंक्लूड इकोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल एस्पेक्ट सच एज आरएनडी एक्टिविटी ऑटोमेशन, टेक्नोलॉजी इंसेंटिव एंड द रेट ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंज। They can determine barriers to entry and minimum efficient production level and influence outsourcing decisions। ठीक है, जितने भी टेक्नोलॉजी पर चेंज आते हैं वो क्या होते हैं, फॉर्म नए फॉर्म को एंटर करने पे एग्जिट करने पे क्या होता है, एक बैरियर की तरह काम करते हैं, है ना। मान लीजिए उस टेक्नोलॉजी के बंदे नहीं मिले उन्हें, उस तरह की जितने इन्वेस्टमेंट की कंपनी उतने कैपिटल नहीं लगा पाई, ठीक है, फिर क्या होता है मिनिमम एफिशिएंट प्रोडक्शन लेवल एंड आउटसोर्सिंग डिसीजन। फर्दर मोर टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट कैन इफेक्ट कॉस्ट, ऑब्वियस है, टेक्नोलॉजिकल जितने भी आपके शिफ्ट आते हैं या चेंजेस आते हैं वो क्या करते हैं, किसको इफेक्ट करते हैं, कॉस्ट को इफेक्ट करते हैं, क्वालिटी को इफेक्ट करते हैं और इनोवेशन की तरफ जाते हैं, है ना। चलिए एनवायरमेंटल फैक्टर्स, दैट है एनवायरमेंटल फैक्टर्स नेक्स्ट। ठीक है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स आर द कंडीशन सच एज वेदर, क्लाइमेट चेंज विच मे स्पेशली इन्फ्लुएंस टूरिज्म, फार्मिंग एंड इंश्योरेंस सेक्टर। ग्रोइंग अवेयरनेस टू क्लाइमेट चेंज आर इंक्रीजिंग द इंटरेस्ट इन हाउ कंपनीज ऑपरेट एंड व्हाट प्रोड्यूस दे ऑफर।
प्रोडक्ट से ऑफर, इट इज बोथ क्रिएटिंग न्यू मार्केट एंड डैमेजिंग द एग्जिस्टिंग कस्टमर। ठीक है, क्योंकि इस तरह का प्रोडक्ट वो बना रहे हैं, कैसे अपने कस्टमर से डील कर रहे हैं। ठीक है, ये इससे क्या होता है आपका जितनी भी एग्जिस्टिंग मार्केट होती है आपकी खत्म हो जाती है और एक नए मार्केट की तरफ कंपनी डील करने लगती है, न्यू मार्केट को एक्सप्लोर करने लगती है। और जो आपकी ओल्ड वन होती है वो क्या हो जाती है, एग्जिस्टिंग वन होती है क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका लीगल फैक्टर। लीगल फैक्टर भी होता है कि जितने भी आपको टैक्सेस लगाए जाएंगे गवर्नमेंट के थ्रू, ठीक है, या जितने भी सब्सिडीज दी जाएंगी या जितने भी लाइसेंस फी वगैरह गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, जितने भी रिस्ट्रिक्शन बिजनेस में लगाती है, सब्सिडी किसमें आ जाती है, उसमें इलीगल आ जाती है। ठीक है, इतने भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बने हुए हैं तो हमें अपने प्रोडक्ट्स को भी इस तरह से बनाना पड़ता है कि किसी भी कंज्यूमर को नेगेटिव बैनिफिट ना हो, है ना। इससे क्या होगा, कंज्यूमर कभी भी कंप्लेन नहीं करेगा, कंज्यूमर कम हो जाता है। ठीक है, और आपका क्या, ये लॉ ही बनेगा। इस तरह के जितने भी कंज्यूमर रिलेटेड लॉ होते हैं, आपके कंजम्पशन रिलेटेड लॉ होते हैं, प्रोडक्शन रिलेटेड लॉ होते हैं, ये सब आप इसमें सब चीजों को देख के ध्यान में रख के इनका काम करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें आता है ठीक है, ओके। चलिए, लीगल फैक्टर इंक्लूड लॉ पर्टेनिंग डिस्क्रिमिनेशन, कंज्यूमर अफेयर्स, एंटी ट्रस्ट, एम्प्लॉयमेंट एंड हेल्थ एंड सेफ्टी। दीज फैक्टर्स कैन अफेक्ट द ऑपरेशंस, कॉस्ट एंड डिमांड फॉर द प्रोडक्ट्स। लीगल फैक्टर्स कैन ऑल्सो इन्फ्लुएंस द ब्रांड वैल्यू एंड रेपुटेशन ऑफ अ कंपनी। दे आर इंक्रीजिंगली पेड मोर अटेंशन टू इन द कंट्री डिकेड। व्हाइल एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस, रीकॉर्पोरेटेड एनवायरमेंट शुड बी स्टडीड एंड एनालाइज्ड। व्हिच रीकॉर्पोरेटेड एनवायरमेंट शुड बी एनालाइज्ड, द फर्स्ट इज इंटरमीडिएट एंड इंडस्ट्रियल एनवायरमेंट। ठीक है, नेक्स्ट इज नेशनल एनवायरमेंट एंड द थर्ड वन इज ब्रॉडर सोशल इकोनॉमिक एनवायरमेंट एंड मैक्रो। ठीक है, तो इमीडिएट कौन से होते हैं, आपके जितने भी आपके इंडस्ट्री से रिलेटेड है। एग्जामिनिंग द इंडस्ट्री एनवायरमेंट मींस एन अप्रेजल ऑफ द कॉम्पिटेटिव स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इंडस्ट्री, इंक्लूडिंग द कॉम्पिटेटिव पोजीशन ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स मेन ड्राइवर्स। ठीक है, तो जितना भी हम इंडस्ट्री एनवायरमेंट में पढ़ेंगे, लास्ट में मैंने आप लोगों को बताया था कि हम अपनी इंडस्ट्री को देखेंगे कि जितने भी आपके राइवल्स हैं, जितने भी कॉम्पिटेटिव मार्केट में खड़े हैं, स्ट्रेटेजी को भी समझने की कोशिश करते हैं। वो लोग क्या सोचते हैं, किस तरह से सोचेंगे, या हमने ये चेंजेस करेंगे, टेक्नोलॉजी बढ़ाएंगे तो उन लोगों का क्या इफेक्ट होगा, वो लोग जितना काम करेंगे मतलब अपने प्रोडक्ट को चेंज करने के लिए, हम लोगों पे उसको क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये सब किसमें आएंगे, आपके इंडस्ट्री में। ओके, चलिए, ऑल्सो एज एन असेसमेंट ऑफ नेचर, सेल्स डायनेमिक्स एंड हिस्ट्री ऑफ द इंडस्ट्री एसेंशियल। It also implies evaluating the effect of globalization of competition within the industry. Analyzing the national environment needs an appraisal of whether the national framework helps in achieving competitive advantage in the globalized environment. Analysis of macro environment includes exploring macroeconomic, social, government, legal, technological, international factors that may influence the environment. मैक्रो में क्या बात करते हैं, क्या चीज करते हैं आप लोग, मैक्रो में आप लोग सारा कुछ नेशनल लेवल पे पढ़ते हैं, जीडीपी की बात करते हैं आप लोग, जीएनपी की बात करते हैं, एनडीपी की बात करते हैं, एनएमपी की बात करते हैं, करते हैं ना, तो सब कुछ किसमें पढ़ते हैं आप लोग, नेशनल लेवल पे पढ़ते हैं। तो अपने प्रोडक्ट को भी हम जब उसी सोसाइटी से, गवर्नमेंट से, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर से, इंटरनेशनल फैक्टर से जोड़कर देखेंगे तो वो आपका एनालिसिस क्या कराएगा, वो मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस कराएगा। ओके, the analysis of organization external environment reveals opportunities and threats of foreign organization. Strategic manager must not only recognize the present state of the environment but and their industry but also be able to predict the future position. Strategic manager kya karte hain, sirf present state hi nahi batate hain, jitni bhi future predictions hain प्रिडिक्ट करते हैं, जितने भी फ्यूचर पोजीशंस होने वाली हैं, जितने भी चेंजेस आप फेस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये इसका काम होता है सारा।
अब खाली हम लोगों ने क्या पढ़ा है, एक्सटर्नल फैक्टर पढ़ा है, ठीक है। मान लीजिएगा इसकी अगर कुछ भी आपको क्लैरिटी में प्रॉब्लम है, ठीक है, तो हम लोग पीडीएफ इसकी अटैच करा देंगे, ठीक है। कमेंट बॉक्स में भी आप अपने पहले डिस्कस कर सकते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन जितने भी होंगे उसमें भी आप लोग अपनी प्रॉब्लम